लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लंदन में रहने के बाद अब हिंदुस्तान वापस आया है। अच्छा, लेकिन असली हिंदुस्तानी है। वाह, पंडित जी ने मुझे हार दिया तुम्हारी तस्वीर पे चढ़ाने, मगर हार तो नहीं चढ़ा जाता है जो चले जाते हैं ना। तुम कहाँ गई? तुम तो मेरे पास हो, हर पल मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday, happy birthday Shalini, happy birthday my dear John. I love you darling, I love you, love you, love you, love you. Inspector, my daughter's name is Sanya Puri and she's been missing, sir. Hello, Lalit. No, sir, Sanya ka kuch pata nahi chala. Raat ke 3 baj gaye. Haan, main ghar check karta hoon. Okay, bye. कहाँ गई थी? फ्रेंड का बर्थडे था, पार्टी पे गई थी। पता है वक्त क्या है? या इट्स 3 o'clock। और तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं 4 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। पापा जाओ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं?
Because I'm not okay. Why? Because you're not okay, man. Man? तुमने शराब पी रखी है? शराब नहीं, सिर्फ वाइन. वाइन पी रखी है तूने? You had wine? Big deal. Just leave me alone. कहाँ ना सुबह बात करेंगे? Shut. Don't you dare hit me. नहीं तो कंप्लेन करूंगी पुलिस पे जाके, रिपोर्ट लिखाऊंगी आपकी. Do you understand? You better do. सानिया, पागल हो गई हो तुम? बच्चों के क्यों और कब का जवाब नहीं दे सकते, वो कभी उनके दोस्त भी नहीं बन सकते. क्या कर रहे हो? कोक पी रहे हो? वो भी स्टोर में? और नहीं तो कहाँ? अरे मैं जानती हूँ तुम्हारी कमजोरियाँ, लेकिन घर में पड़ा है. मेरी एक नहीं, मेरी दो दो कमजोरियाँ, एक ये और एक तुम्हारे खूबसूरत से मुलायम से बाल. स्टॉप इट. वैसे भी मेरे गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए सबसे अच्छा आइटम है. तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए देखो ये ग्रीटिंग कार्ड. संस्कृत श्लोक. संस्कृत तो मैंने जिंदगी में एक ही बार सुनी थी और एक ही बार कही थी, हमारी शादी के मंडप पर, जो पंडित जी ने कहा था शुभारंभ गम गम मन मन स्वागतम, और उसके बाद बकिंगम बर्मिंगम सब हो गया. सॉरी. देखो आप स्कॉलर हैं, आप संस्कृत की प्रोफेसर हैं, आप लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो आप ही जरा मुझे ये ट्रांसलेट करके बताएं तो अच्छा होगा. लालित पंचे वर्षानी दस वर्षानी तारियत प्राप्ते तु छोटे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत. यानी कि बच्चे जब 5 साल के होते हैं ना, तो उनका लालन पालन करना चाहिए, और जब 10 साल के होते हैं ना, तो उन पर नजर रखनी चाहिए, और जब 16 साल के हो जाते हैं ना, तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए. क्या समझे जनाब? जब 16 साल के हो जाते हैं ना, तो उनसे दोस्ती करनी चाहिए. अगर घर में खुशियां चाहिए forever. पुरानी बातें हैं, लेकिन आज के लिए कितनी नई हैं. बेटियों से दोस्ती, वो भी मेरे जैसे बाप की, वो भी इंडिया से बाहर. हेल्प. आप ट्रॉली रख के आइए, मैं गाड़ी में हूँ. यस सरकार. यस ऑलवेज. Withdrawn the support system. I'm sorry, sir. You have just a few more minutes to speak to her. Shalu. ऐसे कैसे होगा? डॉक्टर कहता है कि सिर्फ 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ. पर 25 साल से एक सांस भी नहीं ली.
मैंने तुम्हारे बिना सब कुछ तुम्हें तो संभाला है। मैं क्या करूंगा, घर बेटियां कैसे संभालूंगा, उन्हें क्या बातें करूंगा उनसे। अब करोगे ना, तुम मां भी हो और पापा भी, सिर्फ एक वादा करना मुझसे। बोलो जान, बोलो। बेटियों की शादी होने तक कोई दूरी मत रखना उनसे, दोस्त बनकर रहना। कैसे होगा जान, जब से वो बड़ी हुई है मैंने उनसे खुलकर बात तक नहीं की है। भूल के वो संस्कृत लोग में क्या लिखा था? हाँ याद है। विदा करना अपनी तीनों बेटियों को। अब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, चलो पुलिस स्टेशन, चलो मेरे साथ। ईशा रिपोर्ट करो। शट अप ईशा। डोंट वरी राज, डोंट वरी। तुम हमारे 25 साल के दोस्त हो, हमारे पास दिल नहीं खोलोगे तो किसके पास खोलोगे? आप ही लोग तो मेरे सब कुछ है। मैं अपने दिल का दर्द किसे बताऊं? यार तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर रोते हो। हाँ अरे बेटियां हुआ तो क्या हुआ, दुनिया भर में बेटियां हैं। ओफो एलके, वो नहीं संभाल सकता तो वो नहीं संभाल सकता। यार तुम हमारे बेटे रौनित के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो तो अपनी बेटियों के क्यों नहीं टेल मी? ओफो एलके, बेटियों की बात अलग होती है। ही कांट, ही जस्ट कांट। क्यों डॉक्टर जावेद, तुम्हें आप करोगे क्या? सोचता हूँ हिंदुस्तान चला जाऊं, शायद माहौल बदल जाएगा। फिर भी एक बाप के लिए माँ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। I'll try. चलता हूँ। Bye. 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 ओफ़ आजकल के बच्चे। Thank God LK कि मैंने बचपन से ही रौनित को हॉस्टल में रखा। Let him grow there. Just let him grow there. इसलिए मैं अपने बच्चे लाहौर में छोड़ गया। मैंने कहा बच्चों देसी हो देसी हीरो। I'm sorry papa, I'm really sorry. अब मुझे मारिए, मुझे बहुत मारिए, मैं पागल हो गई थी। नहीं नहीं बच्चा, तू तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा। तू पापा, आज हम तीनों ने कसम खाई है कि हम आपको कभी दुख नहीं देंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। क्यों बेबी, सारा कसूर मेरा है बच्चों, सारा कसूर मेरा है। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी बड़ी दोस्त थी।
बाप का रिश्ता बच्चों से सिर्फ पैसे और सुविधा देने से रहता है। लेकिन मां एक दोस्त बनकर तुम्हारा दुख दर्द सब बांटती हैं। I did care, but I couldn't share your feelings, बच्चों। I just couldn't share your feelings. I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. नहीं पापा, माँ के जाने के बाद अब आप ही हमारे दोस्त हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। Okay, thanks. Thank you, बच्चों। आज मुझे सिर्फ एक ही जगह सूरज उगता नजर आ रहा है, मेरा हिंदुस्तान, इंडिया। मेरा यार राज हिंदुस्तान क्या चला गया? मुझे तो लंदन वीरान लगने लगा। चला गया मेरा दोस्त। अब अपने बेटे की फिक्र करो, वो भी जाएगा इंडिया राज के पीछे पीछे, क्यों? 100%। अरे सीधी सी बात है स्वीट हार्ट, राज उसके लिए माँ है, बाप है, दोस्त है। हाँ जी, हम तो उसके माँ बाप है ही नहीं। हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। कम ऑन नाउ, लेट्स एक्सेप्ट दिस स्वीट हार्ट। रौनित राज और शालिनी का ही बेटा है, दिल दिमाग और नेचर से, यू नो दैट। तभी तो मिडिल क्लास बनकर रह गया है। 100% दीदी। अब देखिए ना भाई साहब, इतना बड़ा पैलेस छोड़कर स्टूडियो खोल के बैठ गया है। डांस म्यूजिक mohabbat.com बस। आर्टिस्ट है आर्टिस्ट। ए हे हे, ओ हो हो, ओ हो हो। ए हे, आ हा, इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत, दुनिया भर में करोड़ों एशियन इंडियंस को एक धागे में बांधता है। इंडियन म्यूजिक, राइट? राइट। जात पात के झगड़ों से दूर भगाता है। इंडियन म्यूजिक, राइट? राइट। पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली को एक भाषा सिखाता है। इंडियन म्यूजिक, राइट। और हर इंडियन को ग्लोबल इंडियन बनाता है। इंडियन म्यूजिक, राइट। दोस्ती करवानी हो, दिलों को मिलाना हो या शादी करवानी हो, आइए हमारे .com पर, cdguru.com। How's that for great? Yeah? Let's have a look. रौनित, तुम्हारे लिए राज अंकल का फोन था, उनकी ईमेल भी आई है, प्लीज पढ़ लेना। राज अंकल्स? हाँ राज अंकल। Alright, let's go. So how was it? Fantastic. Cool. V-Town से कह दो कि cokemohabbat.com के बाद हम किसी भी स्पॉन्सर से $500,000 से कम नहीं लेंगे। Right. अगर उन्हें मंजूर है तो okay. If not, ask them to. Because yeah. V-Town, our little.com is no more little. We are headed for big times, darling. Okay. All right. सॉरी रौनित, इंडिया चला आया तुम्हें बिना बताए। अचानक क्यों? ललित तुम्हें समझा देगा। सॉरी यार, आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। कहना बेकार है कि हम सबको तुम बहुत याद आते हो, तुम्हारी ही बातें चलती रहती हैं यहां। आज ही मैं ईशा अवंतिका को तुम्हारी कॉलेज वाली बातें बता रहा था, जब मैं और शालिनी भी आए थे। याद है जब ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज में तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी मिली थी, तो तुम ललित और भाभी को छोड़कर सीधे मेरे पास चले आए थे। भूल गए थे कि माँ बाप कौन है। शालिनी के पैर छुए थे तुमने। कितना जल गया था ललित। याद है मुझे। और शालिनी तो डबल खुश हो गई थी। बस ऐसी यादों के सहारे ही नई जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ईशा को तो पढ़ाई खत्म करने के लिए लंदन फिर से आना ही पड़ेगा। अपना ध्यान रखना रौनित, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अंकल राज। हेलो
नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें 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 ये जीवन दिल जाने दरिया का है पानी पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए यादें 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 नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसे दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें 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 नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं ये यादें हाय यादें यादें
न्यूयॉर्क मिस्टर ब्लैक मॉर्गन स्टैनले एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी हमारी कंपनी के शेयर कल तक गिरे थे आज नहीं आप जरा देखिए अगले सोमवार तक वो एकदम ऊपर जाएंगे जनाब लक्ष्मी पूजन रखवाया घर में अब तो लक्ष्मी को विराजमान होना ही है गुड मॉर्निंग सर आप इनाम म्यूचुअल फंड को खबर कर दीजिए या ओ यस बेटे इधर पूजा में आओ ना सॉरी मॉम सॉरी डैड भाई साहब बहुत नाराज हैं चलो पूजा करो कलाकार है तुम्हारा बेटा इसे क्या मालूम कि लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व होता है हाँ वो मैं कैसे जानूंगा क्योंकि पिछले साल तो आप माँ वैष्णो देवी की पूजा करते थे अरे भाई पूरा फल नहीं मिला ना इसलिए चेंज बॉब पंडितों ने कहा है कि पिछले साल लक्ष्मी इनसे रुष्ट हो गई थी अब पूजा करवा रहे हैं तो खुश हो जाएंगी बेटे आज के दिन लक्ष्मी पूजन के समय जो कुछ भी माँ से मांगोगे मिलेगा सच मांग कर तो देखो दिल से मांगू या जबान से जैसे तुम्हारा जी चाहे हे लक्ष्मी माँ तू तो सबकी माँ है छोटे बड़े अमीर गरीब सारे भगत तेरे बच्चे हैं माँ हमारे हिंदुस्तान में कितने गरीब तेरी पूजा करते हैं फिर तू वहां जाके उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करती यहां हम सब बहुत पैसे वाले हैं तो फिर यहां विराजने का क्या फायदा हे माँ धनवानों को छोड़ और निर्धन के पास जा पूरा इंडिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है सॉरी माँ वो क्या है कि हम सब ठीक हैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही ठीक है बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ मैं अंकल राज को फोन करने जा रहा हूं बाकी पूजा आप कर लीजिए देख ली अपने बेटे की बदतमीजी ये नतीजा है बच्चों को बांध कर ना रखने का हाय इट्स रियली टू बैड भाई साहब जस्ट टू बैड रौनित शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बदतमीजी क्यों डैड सच बात कही ईश्वर को मतलब से नहीं दिल से पूजा जाता है डैड लेकिन आप कहां जा रहे हो अंकल राज के पास दोस्तों वह हैं आपके पर उनका दर्द मैं समझता हूं सोचिए ना डैड इतने साल परदेश में रहने के बाद क्या दर्द लेकर गए होंगे अंकल राज उनके इस दर्द को हम लोग नहीं बांटेंगे तो और कौन बांटेगा आई अंडरस्टैंड बेटा थैंक्स आई अप्रिशिएट इट डैड नलिनी ये रौनित को तुमने पैदा किया है या शालिनी ने भाई साहब बच्चों तुम्हारी मां हमेशा ये चाहती थी कि तुम सब की शादी हो जाने के बाद हम रिटायर होकर यहां हिंदुस्तान में इस फार्म हाउस में आकर रहे और जब वक्त आया तो चली गई ये कहकर कि तुम इनके पापा नहीं पापा दोस्त बन के रहो माँ ने 500% सही कहा था पापा आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी पहले आई लव यू किसने कहा आपने या मामा ने प्लीज बताओ ना मैंने अच्छा ये बताओ मम्मी ने पहली बार आई लव यू कब कहा था अब तो मत से ज्यादा बढ़ रही हो एक तरफ आप कहते हैं हमारे पापा फ्रेंड बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ देखो तो क्या आप मुझे बताएंगी जब आपको कोई प्यार मोहब्बत यानी वो क्या प्यार मोहब्बत पापा एक थप्पड़ पड़ेगा उसे जो ऐसी हरकत करेगा सीधा शादी करो और चलो अपने घर That's not fair, ईशा पापा का मतलब है अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले हम पापा को बताएंगे That's fair, वो ठीक है Very good, बच्चों Very good तो आज हमारे सालगिरह के दिन हम सब दोस्त बनकर एक वादा करते हैं एक एग्रीमेंट अग्रीमेंट व्हाट एग्रीमेंट हम समझे नहीं अरे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है हा? अरे बाबा मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़का ऐसा तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा जो तुमसे शादी करना चाहेगा जिसे तुम शादी करना चाहोगे
तो इसमें गलत क्या होगा? अरे भाई, मैंने कब कहा कि कुछ गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा हक होगा तुम्हें शादी करने का और मुझे मंजूर होगा। वाओ। लेकिन लेकिन जी, एक बात जरूर याद रखना, उस लड़के के परिवार को चुनने का हक, पूरा हक, सिर्फ मुझे होगा। इतना तो हक दोगे ना मुझे? वो क्यों पापा? ओ बेटा, कितनी भोली है तुम। जब तुम शादी करोगी उस लड़के से, तो सिर्फ लड़के से शादी नहीं करोगी, पूरे परिवार को अपनाओगी, समझी? पूरे परिवार को। राइट बच्चो? बिल्कुल ठीक कहा पापा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। क्यों? आई थिंक इट्स फेयर। तो मेरे बच्चों, आज के बाद चारों दोस्त मिलकर एक वादा करते हैं कि दिल से, दिमाग से खुलकर बातें करेंगे। एक संगठित फ्रेंडली परिवार बनकर जिएंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस पापा। थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चों। हैप्पीनेस फॉरएवर। चलो अंतिका बेटे, जल्दी जल्दी जाकर जलेबी पकौड़े सब कुछ ले आओ। बिल्कुल नहीं, कोई जलेबी समोसे नहीं, पहले आप गाना गा के सुनाएं। यस 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 यस। कौन सा गाना? वही हम सबका फेवरेट। ओके ओके, कम ऑन, रेडी? वन टू थ्री फोर। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। मुझे वहाँ पर अकेले छोड़कर आप सब इंडिया आ गए। But you see, I'm a true friend. I've come. अरे मुझे पता था तुम आओगे। And you, Sanya idiot, इंडिया आई भूल गई, फोन तक नहीं किया। Sorry यार। और वो ईशा यार, where is she? ईशा। ईशा बाजी। ओ बले बले। ईशा, ईशा, where are you? ईशा, कहाँ गई? ईशा। Stupid. याद आ गई हमारी? भूल गया मैं। हमारी यादें cokemohabbat.com। आज पूरी दुनिया एक .com हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया के कोने कोने में रहने वाले इंडियंस एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं। Really? Bullshit. That's it. जो लोग मोहब्बत नहीं करना चाहते, वो लोग सीधे शादी भी कर सकते हैं। वो कैसे? अब आप अपना एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि हमें आपके लिए एक सुंदर काबिल लड़का चुनना हो, तो हमारा ये shaadi.com बता सकता है कि आपके लिए सबसे लायक लड़का कहाँ और कैसे मिल सकता है। Right, boys? Right. अब आया ना पॉइंट पर, अब बताना यार। कंप्यूटर, हमें सलादो की अवांतिका के लिए सही सूटेबल और सुंदर लड़का कहाँ मिलेगा? हेलो जी। Hey, you're lucky, अवांतिका, तीन काबिल लड़के हैं, यू हैव अ चॉइस। यार मुझे तो तीनों पसंद है, तीनों। तो तीनों की शादी कर देते हैं। स्टोरी ओवर, राइट? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अंकल राज, मेरी सलाह ये है कि जो बीच का लड़का है ये है पंकज, पंकज खुदेसिया। इस लड़के को मैं भी जानता हूँ। कैसे? लंदन में मेरे साथ पढ़ा है और आजकल इंडिया में दिल्ली के सूर्य होटल का वाइस प्रेसिडेंट भी है। लंदन में रहकर भी इंडियन है और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। क्यों अवंतिका? मुझे नहीं मालूम। और साथ में सानिया के लिए भी एक लड़का है, देखिए। वाओ, टॉम क्रूज। वाओ, टॉम क्रूज। नो नो नो, आई डोंट लाइक फिल्म स्टार्स। यार हमारी ईशा के लिए भी कुछ ढूंढ लाओ यार। हां हां, ऑफ कोर्स, जस्ट अ मिनट। मिंडी, हाँ जी, जरा ईशा का नक्शा कंप्यूटर को दो। हेलो पाजी, प्रतीक्षा कीजिए, योग्य वर ईशा के लिए।
found only one. तुम्हारी माँ भी कंप्लेन करती थी, टाई इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। लड़के वालों से बात साफ साफ और खुल के करना। तुम जानती हो ईशा, ये सब मुझसे नहीं होता। हाँ जी ना जी, खाओ जी पाओ जी, ये तो रोनित मेरे साथ है, इसलिए थोड़ी बहुत हिम्मत कर लेता हूँ, वरना मुझ में। रोनित क्या करेगा, वो तो बच्चा है, बड़ों से बात बड़े ही किया करते हैं। उसका सहारा लेना छोड़ दीजिए। मगर ईशा मैं कुछ नहीं, बी बोल्ड एंड ब्रेव। ओके, देखिए राज जी, जैसा मेरा बेटा पंकज वैसा ही रोनित। रोनित ने अवंतिका के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, बस आपसे मिलने की इच्छा थी, सो मिल लिए। मेरी इच्छा ये थी कि रोनित कि इनकी इच्छा ये थी अंकल की, ये आपसे मिलें और आपसे पूछें कि शादी का मामला है तो कहीं कोई आपकी शर्त हो या डिमांड्स हो या एग्जैक्टली यही जो भी कुछ हो आप जरूर बताएं, मैं सब पूरा करूंगा। देखिए राज जी, शरीफ माँ बाप, अच्छी लड़की और एक सिंपल शादी, ये तीन शर्तें हैं हमारी, बस और कुछ नहीं। हाँ जी भाई साहब, अब जरा भी चिंता न कीजिए, अवंतिका को हमारे घर में तिनका भर तकलीफ न होगी। बस बस, मेरा मतलब यही था। क्यों ज्यादा बोल गया? ज्यादा की तो बात ही नहीं अंकल, मैं इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिल की बात होती है ना, वो साफ होनी चाहिए, एक रंग में होनी चाहिए, दो रंग में होने से प्रॉब्लम हो जाती है। अब या तो वो काला हो या फिर सफेद। अब जब काला हो तो फिर कंप्लीटली काला हो, और अगर सफेद हो तो कंप्लीटली सफेद हो। लेकिन अंकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस अच्छे भले सिचुएशन को खराब करने पर तुले होते हैं, क्योंकि वो काले और सफेद को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब वहां से होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से होता है प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम का मुश्किल से अंकल निकलता है कभी कभी सॉल्यूशन। और देखिए तो अच्छा कि आप सब लोग अच्छे, तो निकल गया सॉल्यूशन, बस थोड़ा कवर करना पड़ता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए बाबूलाल जी का फोन है। एक्सक्यूज मी, सरकार को चाय वाय हो जाए, बहुत देर हो चुकी है। नो थैंक यू। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये यहाँ के नौकर नहीं है अंकल, ये खन्ना अंकल है, डैडी के 35 साल पुराने दोस्त, गोल्फ क्लब के मालिक हैं। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज, नौकर ही समझिए सर, मोहनलाल की दोस्ती नौकरी के बराबर ही है। बस, समझ गया मैं, अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि कुछ और गलती हो जाए। और आप तो देख ही रहे हैं कि ये छोटा मास्टर कैसे घूरता है मुझे। क्योंकि जुराबें आपने दो रंग की पहनी हैं। I'm telling you, he's such a simple man. And Avantika is also so simple. You love her. कुछ क्यों होता है सहेली, एली रेली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, मेरी ¡Gracias!
अपनी हथेली
मैडम साइकिलिस्ट, साइकिल पर ब्रेक्स भी होते हैं मालूम है। व्हाट नॉनसेंस, बिना बाय बाय किए वापस लंदन जा रहे हो क्या? सबसे तो मिल लिया मैंने। मुझसे तो नहीं मिले ना इडियट। जरूरी नहीं समझा अबे इडियट, तुम सुबह एक्सरसाइज में बिजी थी, मेरा प्लेन छूट जाता यार। क्यों मिस कर रही थी मुझे? बिल्कुल नहीं, पापा ने शादी वाले दिन गिफ्ट दिया था तुम्हें देने के लिए, मैं भूल गई, सॉरी। ये रहा तुम्हारा मैसेज और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। पापा ने दिया है, मैंने नहीं। पापा ने दिया है, तुम बांध तो सकती हो? ऑफ कोर्स। कूल। मेरे शादी.com में मुझे दो लड़के और अच्छे नजर आए हैं, एक तो सानिया के लिए और एक तुम्हारे लिए। मेरे लिए? डोंट प्ले दिस गेम विद मी। क्यों? मुझे शादी नहीं करनी है। कब तक? जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता। और तब? जो पापा कहेंगे वो कर लूंगी। मैरिज या लव मैरिज? मैं लव शब्द में बिलीव नहीं करती। मालूम है बाबा, लेकिन क्यों? इश्क मोहब्बत करने वाले लोग तो निकम्मे होते हैं, फिल्मी लगते हैं। असलियत में लव जवानी का एक एंटरटेनमेंट पैकेज होता है। तुम जैसी लड़कियां जब प्यार में पड़ती है ना तो ग्रेट लव स्टोरीज बनती हैं। मुझ जैसी लड़कियां सिर्फ इतिहास बना सकती हैं, लव स्टोरीज नहीं। एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब किसी हैंडसम नौजवान के लिए इन्हीं आंखों में आंसू होंगे, बस उसी दिन से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होगी। थैंक्स फॉर द वॉच, बाय। स्टुपिड। ये तो होगा जी, ये तो होगा। मैं पूछता हूं ये लड़का कौन है, कौन है ये लड़का? पापा ये सुकांत है, एक साल से जानती हूँ, दिल्ली में रहता है और प्यार करती हूँ मैं उससे। अरे ये लड़के को तो मैंने लंदन के घर के बाहर देखा था उन गुंडों के साथ और हाँ और पापा, पर सुकांत दिल का बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। I see. तो सब फैसले हो चुके हैं, तो मेरी क्या जरूरत है, राइट? पापा, आफ्टर ऑल इट्स माय लाइफ और वैसे भी हस्बैंड चुनने का हक तो कम से कम मुझे होना ही चाहिए। माय लाइफ इज माय लाइफ। यस, योर लाइफ इज योर लाइफ। ishqmohabbat.com Shut up, Isha. You shut up. Nonsense. Such a pain. देखिए जी, आपकी लड़की प्यार करती है हमारे लड़के से। और हमारा बेटा प्यार करता है हम दोनों से। इकलौता जो है लंदन में पढ़ाया लिखाया, अभी तो वापस आया है। राज साहब जी, अब आपको क्या बताएं? हमारे लड़के के लिए इतने रिश्ते आए पर हमने मना कर दिए। अब क्या है जी, इस केस में तो बच्चे मोहब्बत में है ना। फांसी लगाया पैसी मोहब्बत को है। लड़का हमारा हीरा ही हीरा। आपकी लड़की भी प्यारी है, कपड़े पहनती तो और भी अच्छी लगती है। मामा प्लीज जरा कम बोलिए। कम भी तो बोल रही बेटा, शादी का मामला है, हैं? खुल के बात होनी चाहिए, क्यों राज साहब? जी जी, मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझसे खुल कर बातें करें। लॉजिकल क्या जी? जी। देखिए भाई साहब, दहेज का हमें कोई लालच नहीं। आप अपनी लड़की को अपनी मर्जी से कुछ भी दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं जी है। हमें ये सूट फूट कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं चाहिए, पर शादी होटल फाइसर में होनी चाहिए, होटल सूर्य में। हैसियत वाले हैं, हैसियत सही रहेंगे। हाँ, और फिर ये रिश्ता शादी तक थोड़ी होता है। अरे शादी के बाद भी ये व्यवहार चलता रहता है। शादी के बाद तो असली व्यवहार शुरू होता है, आना जाना लगा रहता है। पर भाई साहब हम लालची नहीं, बिल्कुल लालची नहीं। अंकल आपने कुछ खाया नहीं? नहीं बेटे, भूख नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। बस मजा आ गया।
मुझे समझ नहीं आता कि मेरी शादी सुकान से होनी है या उसके परिवार से। यही तो मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी के बाद तुम्हारा नाम ना महबूबा होगा ना मिसेस सुकांत। शादी के बाद ससुराल में लड़की को कई नाम दिए जाते हैं बेटा, बहू, मामी, काकी, चाची, और वो सब रिश्ते तुम्हें निभाने होंगे। उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। यानी कि आप मेरी खुशी चाहते ही नहीं है, मुझे समझ आ गया है। लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, बस। तुम मेरा भी फैसला सुन लो, नो मीन्स नो। देख लिया, सुन लिया? अल्लाह वाला उदस, अल्लाह वाला उदस। पापा, ईशा, अवंतिका, मुझे सब मालूम पड़ा। चलो मैं उसे समझाती हूँ। She's so stupid, यार। एक बाप के लिए लड़कियों को मनाना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ए, क्या देख रहे हो? चल, चल, get out, get out, चल जा यहाँ से, चल। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छोड़ दो मुझे, नहीं जीना है मुझे। क्या वो रो क्यों रही हो? सानिया ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और जलाने की कोशिश कर रही है। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। मैं आपके पास जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? अपना ख्याल नहीं है तो हमारा रखो, पापा का ख्याल रखो। जानती हो क्या कर रही हो तुम? मेरा ख्याल किया किसी ने? नहीं जीना मुझे। सानिया पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। छोड़ दो उसे, चलो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। सानिया, सानिया क्या हो सानिया? सानिया मेरे पापा, मेरे पापा नहीं है। हाँ मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, चलो ठीक है, नहीं हूँ तुम्हारा पापा। चलो उधर आओ, मेरी बात सुनो, चलो चलो बेटे इधर उधर, चलो मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, कूल डाउन, कम एंड लिसन टू मी, लिसन टू मी बेटा, लिसन टू मी। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझी। अब वही होगा जो तुम चाहती हो, जिससे तुम्हें शादी करनी है वही होगा, ओके? सुकांत से। हाँ सुकांत से, मगर एक बात याद रखना, इस शादी के भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। डन? मैं संभाल लूंगी। ओके अवंतिका, ईशा शादी की तैयारी करो, ओके? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। यस, यस, यस। दिल वालों का सलाम। सलाम, सलाम। तो आज फाइनली सानिया और सुकांत की मोहब्बत की जीत हुई, राइट? राइट। मोहब्बत, मोहब्बत भी क्या चीज है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जिसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से मोहब्बत ना हुई हो, और उस मोहब्बत में कुछ मिले तो कुछ बिछड़ गए, पर उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही, राइट? राइट। तो दोस्तों, उसी मोहब्बत के नाम हम सब नौजवानों ने यह फैसला किया है कि आज शाम का गीत हम नहीं, हम नहीं, अंकल राज गाएंगे। क्यों अंकल राज, हैरान हो गए? कम ऑन बी अ स्पॉट। ना ना, पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी, अपनी भी कभी पहली मुलाकात हुई थी,
हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। बारिश में सड़क पर हाँ छतरी पकड़ कर मैं जा रहा था, यूं वो आ रही थी, यूं आ रही थी, यूं 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 हाय। टकरा गए दोनों, घबरा गए दोनों, घबरा के ये कहा जी माफ कीजिए, मतलब था जिसका ये, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए, दिल हमको दीजिए। रोमांस हो गया बाय चांस हो गया, रोमांस हो गया बाय चांस हो गया, हम बन गए सनम, था वक्त बहुत कम, जल्दी से दिल दिया, पंडित बुला लिया, घोड़े पे बैठ के हम दूल्हा बन गए, हम दूल्हा बन गए, हम दूल्हा बन गए। कितनी हसीन हो, कितनी हसीन वो मिलन की रात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। वो आज तो ढोलक बजाती, वो होती वो आज तो ढोलक बजाती, वो मस्ती में झूमती, बेटी को चूमती, देती दुआएं वो, लेती बलाएं वो, गाती सुहाग वो, लगती न आग वो, मैं जिसमें जल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। उस रोज आंसुओं की बरसात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी, हमको भी मोहब्बत किसी के साथ हुई थी।
Hello. Avantika. Avantika, how are you, beta? ठीक हूँ पापा, क्या कर रहे हैं आप? ईशा कैसी है? ईशा मलेशिया गई है बेटे, साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लेने। मालूम है पापा, टीवी न्यूज में आया है लंदन में रणवीर राय अंकल को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है। अच्छा, रियली? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। थैंक यू मल्होत्रा, थैंक यू। बधाई हो भाभी जी। कंग्रेचुलेशंस राय साहब। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस मल्होत्रा, तुमने तो कमाल कर दिया। क्यों? उधर हमने अवार्ड लिया और इधर तुमने पार्टी भी रख दी। अरे भाई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ऐसे थोड़ा छोड़ेंगे? तुमने हमारी दोस्ती अभी देखी कहाँ है। राय साहब, राज आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे राज तो अपना बच्चा है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम उसे। उसकी बेटी की शादी पर हम लोग नहीं जा सके। हाँ, यू नो, बिजनेस के चक्कर में जरा आई ना। वो मोनिश्का बेटी नहीं आई? वो देखिए, आपके बेटे के साथ खड़ी है, अमेरिकन इंडियन एंड ब्रिटिश इंडियन। आपके cdguru.com को मैं हमेशा विजिट करती हूँ। इंटरेस्टिंग। और भी हैं .com, dosti.com, mohabbat.com, shaadi.com। क्या ये दोस्ती से मोहब्बत तक और मोहब्बत से शादी तक? शादी? How boring. Interesting. Interesting. I like it. So are you? कैसी लग रही है जोड़ी? Great. वैसे कल शाम का क्या प्रोग्राम है? कल शाम की फ्लाइट से हम मलेशिया जा रहे हैं एशियन साइकिल रेस कवर करने के लिए। साइकिल रेस? बहुत बड़ा साइकिल रेस है। ईशा भी आई है। मालूम है, पर उसे नहीं मालूम कि हम भी यहाँ पर आए। पर मालको और है किथे? ओए पुत्र, ओए तेनू नहीं देखने वाली, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आज एशियन साइकिल रेस का पहला दिन है। 21 कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सबसे बेहतरीन रेसर्स यहाँ पे भेजे हैं। इस इवेंट का सबसे स्पेशल डे होगा संडे को, जिस दिन प्रीति सहानी, जो कि दुबई यूएई में रहती हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। ये लड़की एक इंडियन है और 2 साल से लगातार जीत रही है। इस साल भी दूर दूर तक इनके मुकाबले कोई नजर नहीं आ रहा। टू वर्ड्स फॉर .com प्लीज। प्लीज। I'm grateful to God and my parents who brought me up and made me the winner I am. Preeti Sahani ka aap sabko namaskar. Thank you very much. This was Preeti Sahani. Ab hum aapko milwayenge London ki Isha Puri se. Excuse me miss, aap kaun si country se? England. Originally kahan se? India se. Aapka naam? Isha. Aapki manzil? Jo bhi ho, number 1 banna. Aapka koi boyfriend hai? Never. Yani ki aap mohabbat mein yakeen nahi rakhti? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप किसी के प्यार व्यार में हैं या नहीं? आप पागल हैं क्या? जी नहीं। रोनित! Finally! How are you, Isha? मुझे उल्लू बना रहे थे। लो, उल्लू को क्या उल्लू बनाना? बचपन की मोहब्बत को। मैंडी, would you shut up? मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम यहाँ आ टपकोगे। बस आ गया उड़ते फिरते, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आ गए। पापा ने बताया होगा। वो भी, और वैसे भी आपको तो होना ही था यहाँ पर, आप तो स्टार हैं साइकिल इवेंट की। और हम तो सिर्फ मामूली से रिपोर्टर बनकर आए, स्मॉल टाइम। देखो रोनी, डोंट माइंड, मैं इस फेस्टिवल में इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, दुनिया से दूर, घर से दूर। मुझसे भी दूर? शायद तुमसे भी दूर। हाँ, यानी कि इस इवेंट में तुम और मैं अजनबीज। हाँ, अजनबीज। Okay, whatever you want. Done. Come on, Isha. सिर्फ एक घंटा रह गया रिहर्सल खत्म होने में। हाँ, bye. Bye bye. Guess.
देख देख, पास पास खिला के पास पास आने की कोशिश कर रही है। बेल ज्यादा टाइट हो गई है आई थिंक। सो लाइक यू वांट मी टू या ओके लेट्स सी। देख देख, बेल्ट खोल रहा है उसकी। जस्ट अ मिनट, ऑलमोस्ट देयर। पता नहीं कल मैं रेस में कैसे जीतूंगी यार। प्रीति, रिमेंबर बेबी, यू आर द बेस्ट एंड यू बेटर बिलीव इट। ओके, थैंक यू। दैट्स मोर लाइक इट। सानिया, पापा, क्या हुआ? पापा, मुझे सुखात के घर नहीं रहना, वो घर नहीं देना के। उसकी माँ मुझे दिन रात गालियाँ देती रहती है और उसका बाप मुझे कोसता रहता है। सुखात भी अपनी माँ की सहेली लेता है पापा। वो बहुत घटिया लोग हैं पापा। मैंने सोच लिया है मुझे डिवोर्स चाहिए, बस डिवोर्स। आपने ठीक कहा था पापा, I'm so sorry। ये प्यार में सब बकवास है। ईशा ठीक कहती थी। तुम जा आराम करो, आखिर ये तुम्हारा ही घर है ना बेटा। चलो चलो बेटा, आराम करो, चलो। लीजिए चल पड़ी मिस प्रीति सहानी पूरी जोश के साथ, सबकी नजर सबकी उम्मीद सिर्फ प्रीति सहानी पर। प्रीति सहानी वर्ल्ड नंबर वन कंपटीशन में है। L'Australienne qui occupe la deuxième place. Congrats. I gotta tell you, you were great. जब किसी के दिल में जलन होती है तब जीत हो ही जाती है। Well done. Dialogue मार गई तुमको। Heroine है ना? ईशा जी, दो loves हमारे .com के लिए। हाँ, इसमें मैं किसी का thank you नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से और God की grace से। इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। और हाँ, ये टीवी वेबसाइट वाले जो है ना, आधा सच आधा झूठ कहते हैं, कृपया इन पे विश्वास मत कीजिए। थैंक यू, प्लीज। मुबारक हो। लेकिन जीतने वाले इतना घमंड नहीं क्या करते? तो क्या हारने वाले घमंड करते हैं? यू नो ईशा, मॉडेस्टी इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक यू कैन एवर। तुम जाओ ना अपनी पास पास वाली के पास। अच्छा अच्छा, तुम वो Well, you know, वो तो बस यूं ही मजाक में कभी कभी। देखिए मिस्टर स्ट्रेंजर, मैं एक चीज साफ साफ कह देना चाहती हूँ। कल मैं अपने ग्रुप के साथ टू बायलिन जा रही हूँ, वहाँ मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। कम ऑन पिंकी। रोनित, टू बायलिन? वहाँ तो बहुत खतरनाक और भयंकर जानवर है। इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस, उसे रोको। या
रौनित, रौनित, ईशा ट्यूब आइलैंड में मुसीबत में है और उसके सब दोस्तों को छोड़कर भाग आए हैं। और क्या? और ईशा, कुछ पता चला उसका? खाक पता चला, तुम्हारी हीरोइन की वजह से साडा हीरो भी फंस गया और यहाँ पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। Things are under control. Let's watch. Okay. कल रात डॉक्टर ने कह दिया था कि रौनित नहीं बचेगा। मुझे उससे मिलना है। Don't be stupid. तुम्हें यहाँ से उठना मना है। तुमने उसकी कदर नहीं की, मगर जो कुछ भी उसने किया है, that's unimaginable, ईशा। सिस्टर, रौनित कैसा है? अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है। Hey, you can't go. ईशा। याद है, मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। क्या है ये? छोड़, छोड़, छोड़ो मेरा हाथ। देखिए अंकल, मैंने सानिया को पहले ही समझा दिया था कि मेरी माँ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिर वो कुछ भी बोल देती है। और फिर ये सानिया, ये भी तू तड़ाका से जवाब दिए बिना रह नहीं सकती। मैंने जो कहा ठीक कहा। Your mom is brash. सानिया। पापा नहीं रहना मुझे इस घर में। देखिए ना अंकल, माँ और बीवी के बीच में खामखा फंस गया हूँ मैं। सुकांत अभी भी सानिया को लेने आया है पापा। और फिर अंकल, जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं घर का इंतजाम कर लूंगा। नहीं रह सकती मैं उस घर में पापा, जहाँ इसकी माँ रहती है, बस। सानिया, what nonsense. ऐसा नहीं होता है सानिया। देखो बेटे, मैं सब समझता हूँ, कुछ दिन रुक जाओ। ये प्यार और शादी तुम दोनों ने मिलकर अपनी मर्जी से की थी ना, इसकी सुलह भी तुम्हें खुद करनी होगी।
जब दिल मिले 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 दिल मिले तब गुल खिले 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 गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले 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 दिल मिले, खिले 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 गुल खिले। जब से तू है इस दिल में मेरी जान है, मुश्किल में महफिल में है तन्हाई, तन्हाई तन्हाई है महफिल में ओ ये दुनिया अपनी प्रेम गली या गली में लग जा यार गले हो जा सारे दूर गिले हो। जब दिल मिले 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 दिल मिले, जब दिल मिले 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 दिल मिले, तब गुल खिले 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 गुल खिले, तब गुल खिले 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 गुल खिले। जो कहो दिल मिले
करे कोई सजदा करे। झूठ, सब झूठ, सब झूठ है। ये दोस्ती, ये प्यार, ये मोहब्बत सब झूठ है, धोखा है, धोखा। गलती के पहले तुम्हारी बात मानकर एक बाप बेटी का दोस्त कभी बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। काश मैंने सानिया की बात नहीं मानी होती। मोहब्बत, माई लाइफ इज माई लाइफ। अवंतिका, सानिया, पापा, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। पापा, सब लोग उदयपुर पहुंच चुके हैं और आप यहीं के यहीं। कितनी देर हो गई, अब जाइए ना। आपके जिगरी दोस्त की सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी है। ईशा, उन्होंने तो इतना बड़ा शो रखा है और आप। हाँ, मगर। अगर मगर कुछ नहीं, जानती हूँ सानिया की फिक्र है आपको, उसे मैं संभाल लूंगी। प्लीज आप सानिया का जिक्र किसी से भी नहीं करना, ईशा से भी नहीं। रंग में भंग डालने की क्या जरूरत है, दुनिया भर के VIPs आए हैं वहाँ। You just go and celebrate, Papa. And don't worry, we are here. Just enjoy. वो बात नहीं है मिसेज नलनी, राजस्थान उदयपुर तो हमारा गांव है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि आपने इंग्लैंड में रहकर ये महाराजा पैलेस फैंसी ड्रेस पार्टी के लिए कैसे चुना। ये सब हमारे बेटे रौनित का आइडिया है। ये पूरी तैयारियां, ये फैंसी ड्रेस पार्टी, ये म्यूजिक के सेलिब्रेशन सब रौनित और ईशा ने मिलकर किया है। अरे भाई, लेकिन रौनित को तो आपने मिलाया नहीं हमसे। अरे हाँ, रौनित कहाँ है, रौनित को बुलाओ। देखो रौनित, पार्टी में मुझे डांस मत कराना, मुझे डांस नहीं आता। अरे तो मेरे साथ डांस कौन करेगा? पकड़ लो किसी तितली को, बहुत घूम रही है इधर उधर। तितलियां पकड़ने के लिए तुम्हें उनके साथ खीखी खूखू करने का बहुत शौक है ना, तो करो। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें। यहीं बैठी रहो। जब से आंख खुली तब से हम दोस्त थे, और आज आंख खुली तो महबूब है, और कल, और कल, कल सिर्फ तुम, सिर्फ हम, बस, 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 बस। रौनित, रौनित, आ मेरे दोस्त। पापा, तुम्हारा दोस्त आया है। जाओ ना पापा के पास। ठीक है, चलता हूँ। पापा से बात करोगे ना? कौन सी बात? मालूम नहीं। हाँ हाँ हाँ, मालूम है मालूम है। यही कहूंगा कि ईशा की शादी जल्दी से करवा दें, वरना किसी के इश्क में पड़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? चिकटिंग। ए अंकल राज, ए रोनित, रोनित, वेलकम टू उदयपुर। आप देर से आए, पर मैंने माफ किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, लेकिन इससे पहले कि कोई और आपको बताए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अंकल। जो कुछ भी कहना है पहले मैं कहूंगा। पहले मेरी सुनिए अंकल। पहले मैं। तीन बार हो गए। ओके। सुन यार, सानिया जिसने अपने महबूब के साथ शादी की थी वो घर आ गई वापस। वो अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है, उसकी अपने परिवार के साथ बिल्कुल नहीं बनती। ये मोहब्बत का अंजाम है मेरे दोस्त। I hate this love story, love affair business. या बट अंकल राज। हाँ, जानता हूँ, जानता हूँ। खुश रहना है, हंसना है, गाना है। अवंतिका भी यही कहती है कि अपना मायूस चेहरा लेकर मत जाना, हंसते रहना, रौनित के साथ रहना। After all, मेरे दोस्त की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी भी है। मेरे दोस्त, मुझे गाना है, नाचना है। एलम, ए राज, एलम, ए बड़े, हैप्पी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। थैंक्स, हैप्पी एनिवर्सरी माय बॉय, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। अरे बस भी कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ बस। क्या, वी आर गोना रोल एंड रॉक। बाय, सी यू लेटर। ओह सॉरी, आई एम सॉरी।
हाय। आप तो? हम वो पिछले अवार्ड फंक्शन में। राइट राइट ऑफ कोर्स, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई मस्ट से दैट यू आर वेरी बिग दैट। व्हाट्स दैट? यू आर अनफॉरगेटेबल। अमेरिका में जब भी हम कंप्यूटर पे बैठते थे तो क्लिक करते थे cdguru.com। राइट। आपका hub.com, पैगाम नाम याद हो गया है हमें। Well, thank you. मोहब्बत.com, दोस्ती.com। Hey, Ronit, यार, ईशा डांस करने से मना कर रही है। एक लीड लड़की तो होनी चाहिए। ईशा has ditched us at the last moment. ईशा's our dancing partner. क्या करें? वैसे आप क्यों नहीं बन जाती हमारी डांसिंग पार्टनर? मी? वैसे भी आई डोंट एक्सपोज माई सेल्फ, नॉट इन अ पार्टी लाइक दिस। कर लीजिए ना हमारे लिए प्लीज। कम ऑन मैम, दिस इज अ यंगस्टर्स फैंसी ड्रेस पार्टी, हेल्प अस आउट। मैम कम ऑन मैम प्लीज। कर दीजिए ना मेरे लिए। आपके लिए .com। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या बकिंगम पैलेस टू साउथ हार्ट चंडीगढ़ लुधियाना, एवरीबॉडी इज फॉलिंग इन लव। बकी दी रोड पे सरसों का धागा गाने लगे है राग, आई लव यू 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 आई लव यू। ला पूछा एक बार कहीं दिल लग जाए, एक बार कहीं दिल लग जाए फिर यार कहीं दिल नहीं लगता। ये दुनिया दिल को डराती है, दिल तो रब से भी नहीं डरता। ओए बेबे ओए बेबे ओए बेबी ओए बेबी ओए होए होए चम 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 चमकती शाम है। चल 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 छलकता जाम है। चम 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 चमकती शाम है। चल 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 छलकता जाम है। जिंदगी प्यार का दूसरा गल 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 अकल्ला गोलियां। प्यार में मर गए ओए बेबे।
ओढ़ी प्रेम चुनरिया जिसने प्यार का रंग कभी ना छूटा। पागल प्रेमी प्यार न छोड़े जाने कितनों का दिल टूटा। देखो हार तुम्हारी होगी सुन लो जीत हमारी होगी। माना हार हमारी होगी पर वो जीत से प्यारी होगी। डगमग 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 सी तुम्हारी चाल है। तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक तुम्हारी ताल है। जो भी हो चम 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 चमकती शाम है। चल 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 छलकता जाम है। गल 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 गल्ला गुड़िया सब चले गए भाई साहब रौनित और आज मैं भी लंदन चला जाऊंगा। सानिया की कहानी हमें मालूम पड़ गई है राज, बहुत बुरा हुआ पर भाई साहब ने एक सलाह अच्छी दी, कहा कि वो सुकांत को दुबई में अपने दोस्त की कंपनी में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। हर महीने सुकांत अपने लालची माँ बाप को अच्छे पैसे भिजवाता रहेगा, वो भी खुश और सानिया भी खुश। ये भाई साहब भी कमाल, आप लोगों के परिवार का कितना एहसान है मुझ पर। नॉट एट ऑल राज, नॉट एट ऑल। और राज कल भाई साहब ने और बड़ी अजीब सी बात कही। क्या? यही कि रौनित की शादी मोनिश्का के साथ हो जाए। रौनित की शादी मोनिश्का के साथ? अरे वो अभी ग्रेजुएट बना, उसे कुछ बनने तो दे। लेकिन राज रौनित लाइक्स मोनिश्का। क्या? या कल देखा नहीं पार्टी में कैसे गल्ला गुड़िया करता हुआ मोनिश्का का हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींच कर ले आया था। हाँ हाँ यार हाँ, ब्लडी करता हूँ मैं, ये सब चीजें नोटिस नहीं करता मैं। यू एब्सोल्युटली राइट। और राज भाई साहब की बहुत 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 इच्छा है कि तो प्रॉब्लम क्या है? तुम बात करके देखो ना। क्या ख्याल है तुम्हारा इस रिश्ते के बारे में? ख्याल? पहले अपनी बेटी के नखरे तो देखो, 21 रिश्ते आ चुके हैं। मैडम को कोई लड़का ही पसंद नहीं आता। पहली बार रौनित के लिए नॉट बैड कहा है। नॉट बैड, आखिर बेटी तो तुम्हारी ही है ना। मैं तो कहती हूँ राज जो रिश्ता लेके आया है उसके लिए हाँ कर दो, नहीं तो ये कुवारी ही बूढ़ी हो जाएगी। रौनित मुझे भी पसंद है, वो मनीषका को हैंडल कर लेगा। फिर आप राज को मिल ही लीजिए। राय साहब आ गए। मल्होत्रा से कहना उसका भेजा हुआ रिश्ता हमें मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रौनित भाई साहब। रौनित और मल्होत्रा से ज्यादा हम तुम्हें जानते हैं बरसों से। बस इतना समझ लो कि हम अपनी बेटी तुम्हारे विश्वास पर सौंप रहे हैं। थैंक यू भाई साहब। जय माता दी। ललित कंग्रेचुलेशंस, सब फर्स्ट क्लास हो गया है। क्या कह रहे हो? यस रियली? मैं परसों आ रहा हूँ लंदन, मगर एक बात याद रखना, जब तक मैं लंदन ना पहुंचू रौनित को कुछ मत बताना। ओके डोंट वरी,
I will not tell him. Okay? Okay, bye. Papa, कहाँ हो आप? Heathrow Airport. हम लोग यहाँ थो पार्क में हैं. जल्दी आओ. मैं अभी आया. Come fast. I'm just coming, beta. I love you, Papa. सुनानी है एक बात बतानी है एक खबर सुनानी है एक बात बतानी है पर सबसे बड़ी खबर तो हमें सुनानी है हाँ हमें सुनानी है अंकलराज पहले हम पहले हम अंकलराज पहले हम अंकलराज पहले हम अंकलराज तीन बार हो गए ओवरruled I defy अंकलराज what do you mean by you defy who's the father who's the friend both the friends right I'm Junior Junior go ahead okay Ronit Isha come on अंकल राज yes. मेरी कंपनी की एक पॉलिसी है क्या है कि हम कुछ खास मैसेजेस स्टाइल से पहुंचाते हैं mm-hmm. जैसे कि ये क्या ये व्हाट इज दिस पढ़िए पढ़िए हम बस अभी आते हैं और फिर mm-hmm. आप ही के पैर तो छूने पैर छूने पहले दिन इनकार किया दूजे दिन इकरार किया तीजे दिन प्यार किया हम शादी करना चाहते हैं 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 अरे पापा कहाँ गए अंकल राज तो चले गए कहाँ गए गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए हे नताशा रोनित कार्ड तो यही छोड़ गए अरे इनिशियल झटका तो लगना ही था यार आफ्टर ऑल ही इज अ फादर ओह अब मुझसे बहुत सारे सवाल करने वाले और फिर जाकर कहेंगे Okay, okay. You love each other. I love you, so it's okay. You know. पर वो ईशा डोंट वरी यार मैं हूं ना मैं सब संभालूंगा ओके हेलो रोनित या स्टीफन मिस्टर हडसन आए हैं स्कॉटलैंड से हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिए हैं इज इट डन हाँ हमने सब सेट कर दिया है बस तुम्हारा इंतजार है जल्दी आ जाओ या आई विल बी देयर सून एज आई कैन या बाय 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 ईशा मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आया हुआ है और उसे मिलना बहुत जरूरी है शायद दो तीन दिन के लिए बाहर भी जाना पड़े ए ना यू डोंट वरी यार हमारा केस बहुत सिंपल है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डू यू लव मी यू ट्रस्ट मी बाद में मिस मी बाय बाय ठीक कह रहा था कि तुम्हारे पापा खुश तो होंगे ही पर जरूर टाइम लगाएंगे सच कहूं पापा रोनित को मैंने बचपन से देखा है पर अब उसे पहली बार जान पाई हूं कहता है कि काश मैं अमीर घर का लड़का नहीं होता ऐसा ही घर होता छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा सा आधा साफ आधा उखड़ा सा तो कितना अच्छा होता पल में प्यार पल में लड़ाई पल में आशा पल में निराशा सब कुछ मिल जाना भी कितना बोरिंग होता है ना पापा और हाँ शादी की बात भी पहले उसने की थी मैंने नहीं अब क्या लड़का भी पसंद लड़के वाले भी जानती हो सानिया घर वापस आ गई है और वो सुखान से तलाक चाहती है तलाक अगर एक लफ्ज में मेरा जवाब सुनना चाहती हो तो वो है नो तुम और रोनित हरगिज़ नहीं
पापा? नो पापा? नो नो रहे अल्लाह का कि मियां बच गए। अरे भाई कितनी बार कहा कि ये लंदन की सड़कें हैं, पंजाब नहीं। वाकई जाट की तरह मत घुमा करो। लेकिन ये भी कोई तरीका हुआ अपना गुस्सा दिखाने का? मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिम्मेदारियों से भागने वाली ऐसी हरकत किया करते हैं। ऐसी क्या आफत आ गई थी? अरे रौनक ने तो मजाक में अपने कंपनी के ग्रीटिंग कार्ड दिखाए थे। मैंने उसका साथ दिया ये देखने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। बस देख लिया आपका रिएक्शन। चल पड़े बच्चों की तरह पैदल ट्रैफिक के बीच में। अगर गुस्सा करना ही था तो मुझसे करते, खुद से क्यों? माय डियर पापा फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं थी रौनित और मेरे बीच में। बस मलेशिया में थोड़ा सा गेम्स खेलते खेलते यू नो कैसे हो जाता है। इतने सीरियस क्यों हो रहे आप? कोई बात नहीं थी बाबा। चाबी को देखो, इस चाबी को देखो और माँ की बात को याद करो। मेक फ्रेंड्स, ट्रस्ट फ्रेंड्स इन फैमिली एंड हैप्पीनेस फॉरएवर। पापा झूठ बोलती है, अपने पापा से झूठ बोलती है। मैं तेरे झूठ को समझ गया बेटा। मेरा सारा दर्द अपने छोटे से नन्हे से दिल पर रखकर कैसे जिएगी तू? पापा से बहुत प्यार करती है ना तू? सोचो पापा, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? कहाँ जाते हम लोग? एक बात समझ ले बेटा, वो लोग बहुत ऊंचे हैं, उस घर में तेरा ससुराल नहीं बन सकता। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके इरादों को समझता हूं। निष्का का हाथ में रौनित के साथ मांग कर आया हूं राय साहब से। और आप तो अच्छा है ना, मनुष्का रौनित के लिए बहुत अच्छी है। शी इज गुड फॉर रौनित, शी इज गुड फॉर रौनित। गुड और बैड आई रियली डोंट नो, पर मैं आपके साथ हूं पापा। मम्मी की कसम, आपकी कसम। आई लव यू, आई लव यू बेटा। पर पहले आप कसम खाइए कि आज के बाद आप इस तरह का सीन नहीं करेंगे। मैं देखती हूं। देखा, ये भी नाटक करती है मेरे साथ। पापा देखो कौन आया है। कौन बेटे? अंतिका। अरे अरे जीते रहो बेटे। ये सब क्या कर दिया पापा आपने? अरे यार तुम्हें इन लोगों को खबर करने की क्या जरूरत है ईशा? क्यों, हम आपकी बेटियां नहीं है क्या? हो ना, पर पापा खास खबर के बारे में तो आप बहुत पीछे हैं। जस्सी कौन आया है हमारे साथ? कौन? ए सानिया। सानिया पापा। सानिया बेटे, अरे सुकांत। नाउ डोंट लुक सो शॉक्ड यार, JKM अंकल ने हमें लंदन टिकट्स बेच के बुलवाया है। और 1st नवंबर से उनकी दुबई वाली कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया है। 30th का वी आर लीविंग फॉर दुबई। जय माता दी, जय माता दी। तुम दोनों को साथ देखकर मैं कितना खुश हूं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू टुगेदर। ललित अंकल का फोन है आपके लिए। हां ललित। हां हां बच्चे पहुंच गए। मैं भी पहुंच रहा हूं, ईशा को भी लेकर आऊंगा। हां कर लूंगा रौनित से बात, ऑफ कोर्स। Don't worry, don't worry.
वैसे तो सभी देवी देवताओं की कृपा रही है हम पर, लेकिन जब से भोलेनाथ जी इस घर में विराजमान हुए हैं हमारी कंपनी के शेयर और ऊपर चले गए हैं। अब देखिए ना, आज सोमवार शंकर भगवान का दिन और आपका हमारे घर में आगमन, शुभ दिन। रौनित कहाँ है? रौनित जी वो अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं, अभी अभी स्कॉटलैंड से आए हैं 2 दिनों के बाद। आप मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए अंकल राज, आप लोग जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? इज रीजनेबल? अपनी जिंदगी का भागीदार चुनने का मुझे कोई हक नहीं। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और जो मुझे मजबूर करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, मेरा दोस्त नहीं। ये रिश्ता तुम्हारे दुश्मन ने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने पक्का किया है। मेरे दोस्त, ये रिश्ता मैंने पक्का किया है। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? ये बात नहीं अंकल राज, हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू दैट? देखो बेटे, शादी में लड़की, परिवार, खानदान, बैकग्राउंड, ये सब कुछ देखा जाता है, यू नो दैट, एवरीथिंग हैज टू बी सीन। और उससे भी ऊपर देखा जाता है इंसान का दिल। इसे मेरा सीना चीर कर देखिए अंकल राज, इसमें किसी और का नाम लिखा है। Stop this. Give me that. Stop this nonsense. और कोई नाम मैं सुनना भी नहीं चाहता। वो नाम आपको सुनना पड़ेगा अंकल राज। देखो बेटे, रौनित, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक वादा मांगता हूं। तुम अपने मम्मी, डैडी और अंकल के सामने कोई ड्रामा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी और शालिनी की कसम। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। बस खत्म करो ये पंडितों का चक्कर, अब उठो भी, सबसे मिलो। ईशा बेटी, इसे घर दिखाओ, लोगों से मिलाओ, गो एंजॉय। क्या लड़की चुनी है राय साहब ने रौनित के लिए? लगता है राय साहब की फैमिली अमेरिका की टॉप 10 फैमिलीज में से एक। टॉप 10 ही करते रहोगे या लंच भी करोगे? आई एम सो हंग्री। आज मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दिन है राज, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आपका हुक्म मानना हमारा फर्ज है भाई साहब। राज, अगर रणवीर राय और मल्होत्रा कंपनी एक हो जाए तो हम लोग मार्केट लीडर बन सकते हैं, और हमारी कंपनी के शेयर्स टॉप पर होंगे। रौनित, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय रौनित, हमें आपका घर, फैमिली, एटमॉस्फेयर और खासकर ये इंटीरियर डेकोरेशन बहुत पसंद आया। और रौनित, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो हमारी सीक्रेट चीज है। ऑफ कोर्स। चलिए अब हम आपको आपका बेडरूम दिखाते हैं। चलिए आइए। आप पर ये जैकेट बहुत अच्छा लगता है। बाय राज, हम अपनी बेटी तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। मोनिश्का मेरी बेटी भी है, जो वादा किया गया है पूरा निभाया जाएगा। Cheers. Cheers. मुनिष्का, हाँ, मुझे 4 बजे जिम क्लास के लिए जाना है, मैं घर जाके फोन करूंगी, फिर बाहर जाएंगे। ओके, यहाँ का सबसे अच्छा डिस्को कौन सा है? डिस्को के बारे में तो रौनित को पता होगा, पूछ लेना। रौनित कहाँ है? यहीं कहीं होगा, देख कर आओ। बाय बाय। सर्दी है, पहन लो। What the hell do you think of yourself? What's all this नाटक, this drama? तुम लोग सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। But I'm not gonna fall for this shit, you understand? Do you understand?
पहले तुम जैकेट पहन लो, फिर। नहीं पहनूंगा। अच्छा पहले तुम कूल डाउन हो जाओ, फिर बात करेंगे। हो गया कूल डाउन। बोलो बोलो बोलो। प्यार करते हो मुझसे? I hate you right now. अच्छा चलो जैकेट पहन लो, मैं पहना देती हूँ। देखो रोनित, मेरी बात प्यार से सुनना। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब जवान दिल होश उड़कर प्रेम या रोमांस के झोंके में झूल जाता है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे कि आगे क्या हकीकत होगी। और ये इन रोमांटिक फेरी टेल मोमेंट्स को हकीकत समझने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। फिजा थी, वातावरण था, वक्त था। थोड़ी देर के लिए तो हम भूल ही गए थे कि हम कौन हैं। यानी कि तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं? वो एक एक इन्फैचुएशन था, एक झटका लग गया था। रोनित, तुमको तो मालूम है कि मैं इस तरह के प्यार को फिल्मी इन्फ्लुएंस एंटरटेनमेंट पैकेज समझती हूँ। राइट, इसलिए तुम मुझे वहां पर एंटरटेन कर रही थी, और अब भी कर रही हूँ। रोनित, मुझे देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से करती आई हूँ, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। एक दोस्त की तरह बस बस बस। हाँ बाबा, बस बस। इस घर की तरफ देखो, दिस इज रियलिटी। तुम्हारे पापा, मेरे पापा, और फिर मनुष्का, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है वो। एंड यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेस्ट फ्रेंड रहूंगी। ईशा ने जो किया ठीक किया रोनित, मुझे तुम्हारी कहानी मालूम है। कहती कि मुझसे प्यार नहीं करती, कैसे लड़ूंगा मैं, किससे लड़ूंगा मैं जब वही झूठ बोलती। लेकिन सच बोलेगी एक दिन और रोएगी। रोनित, ठीक है तो है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अब मैं वही करूंगा जो वो चाहेगी। नाउ आई एम गोइंग टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। हर बेस्ट फ्रेंड। रोनित, Monishka, baby! Oh, darling, where were you, Moni, darling? I've missed you so much. Don't leave me like this, because I missed this beautiful face. Oh,
को बताना नहीं दर्द छुपा है कहाँ। ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। बेडरूम है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं उससे मिलकर आती हूँ। यू वेट हियर। हेलो हेलो ईशा, कहाँ हो तुम? रोनित के घर पर। अरे बेटे टाई बांध रहा था, तुम्हारी याद आ गई। रोनित कहाँ है? अंदर है। मैं राय साहब पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बेटे Wow. Oh, like this, Ronit? Okay. You're so strong, Ronit. Look at me. You have beautiful eyes, Ronit. Are you serious? Absolutely serious. Look at my eyes. And for my legs, Ronit. I love this, Ronit. Hold your hands. Yeah. Bring your hands. That's all. Like this, Ronit? Excellent. You're doing backswing. You're such a darling, Ronit. If you don't get it right, you're a great boy. Oh, thank you, Ronit. अवंतिका, ठीक वक्त पे फोन किया तुमने। जब प्यार करने वाले अपने जज्बातों को दबाकर रिश्तों को कोई दूसरा नाम देते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जज्बात फूट फूट के रोने लगते हैं, हर सच सामने आ ही जाता है। लेकिन सच ये भी है कि ईशा मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि ईशा मेरे बिना हंस सकती है, ईशा मेरे बिना रो सकती है, ईशा मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो मेरे बिना रह सकती है। अपनी बहन से बात करोगी? तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कहती क्यों नहीं? Oh,
प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। स्कूल में करती थी, बचपन में करती थी, और अब भी प्यार करती हूँ। मगर तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, वैसे प्यार में कैसे कर सकती? ये तो कभी कभी मुझे रोना आ जाता है। I'm sorry, मैं रो पड़ी। Sorry, देखो तुम्हें मनुष्का के साथ मित्तल साहब के घर पे जाना है डिनर के लिए। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तुम जाओ, मैं जाती हूँ। सॉरी यार। हेलो। अरे भाई तुम लोग हो कहाँ? अंकल राज, आप कहाँ हैं? अंकल राज, मुझे आपसे बात करनी है। मैं राज साहब से मिलने जा रहा हूँ, हैरिस क्लब। आओ वहां पर। I'll be there. Bye. Morning. Hello there. Hi there. I want to meet Mr. Ranveer Rai, please. I'm sorry, sir. This is a private party. There's no outside guests allowed. Mr. Ranveer Rai, please. Do you understand English? I understand more than that, mate. Right. Thank you anyway. Can I take this? Uncle Raj. Ronit. Uncle Raj. Ronit, yaar, ye manager mujhe andar jaane hi nahi de raha hai. Mujhe ye agreement Rai saab se sign kara ke Jagdish bhai saab ko dene hai. Mujhe dijiye, main sign karwa kar lekar aata hu. आप यहाँ पे रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। Okay, okay. Hey Dan, Hi, Ronit. How you doing, good guy? I just need to go in for a bit, all right? No worries, just go straight through. Hey Dan, yes, Ronit. Buddy. Need a favor? Sure. There's a friend of mine who was just here a while ago. Yeah? He needs to come in. It's all right. Okay. Great. No worries. Bye. Uncle Raj. Kya hua? Maine manager se baat kar li hai. Aap ja sakte hain andar. Aap jaiye. Akela jaun main? Wo Uncle Raj kya ki? Bahut bade logon ki party hai na. Uh-huh. Main zara chota feel kar raha hoon. Okay, okay. You sure, na? कमीने लोग हैं। कोक पीने के बाद अंकल राज आपकी सोच सही हो जाती है। तो कैसी लगी मेरे सास ससुर की रासलीला? लानत है लानत ऐसे बड़ा होना। I tell you, it's nonsense absolutely. तो क्या ख्याल है आपका? तुम्हें इससे क्या मतलब? मोनिश्का तुम्हारे घर आ रही है, तुम मोनिश्का के घर नहीं जा रहे हो। मिस्टर दामाद। ओके मिस्टर फ्रेंड। या अगर ऐसी बात है तो आपको मुझ पर एक लास्ट फेवर करना पड़ेगा। क्या? मैं आज शाम मोनिश्का को रेडिसन हैम्पशायर लेके जा रहा हूं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि मेरे होने वाली बीवी से तीन सवाल कीजिएगा, बस। तीन सवाल? कहिए अंकल, क्या है आपके तीन सवाल? पूछिए पूछिए। बेटी,
मल्होत्रा परिवार की तरफ से तीन सवालों में से एक सवाल मेरा ये है कि शादी के बाद तुम रोनित के माँ बाप के घर में रहोगी या के खुद के घर में? Of course, खुद के घर में. शादी के बाद माँ बाप का क्या काम? They are nothing but interference. Right, she's right. और I agree with you. जब भी वो मेरे घर पे आए तो बेहतर होगा कि अपॉइंटमेंट लेकर आए. माँ बाप भी? Of course, guest is a guest, uncle. She's right, uncle Raj. ये अमेरिका से और वहाँ की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल, कितनी बिजी होती है, नहीं? बेटी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सुना है कि तुम लेट नाइट पार्टीज का बड़ा शौक रखती हो और घर भी कुछ देर से आती हो. अच्छा है, उसमें क्या है? नो प्रॉब्लम्स. यानी कि शादी के बाद भी ये सब सिलसिला जारी रहेगा, देर से आना? ऑफ कोर्स. और शादी का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रेंड्स खो दें. राइट, करेक्ट. शादी के बाद ये जब चाहे आए, जब चाहे जाए. लेकिन जब मुझे कोई एहतराज नहीं तो आप ये सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं अंकल राज? Why? Why? Oh, shut up. बेटी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ललित का कहना है कि शादी के बाद हमें एक नन्ना मुन्ना छोटा सा पूल मिल जाए ताकि. एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, मैंने रोनित से पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं 4-5 साल तक कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे पैदा करके मैं अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती. लेकिन बेटी, ये हमारी संस्कृति की रीत है कि संतान को अपने माता पिता को खुशियां देना, बेटा देना. मुझे लगता है तुम्हारे अंकल कोई पिछड़े गांव से आए हैं. A rural man. I am a rural man of India. Any objection? Yes, I have. क्योंकि मैं तुम जैसे छोटे आदमी से डिस्कस करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे तुम सिर्फ मल्होत्रा खानदान के परिवार के दलाल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देते. मोनिश्का, I don't care and I can't take this insult. I'm really sorry. Please आप बैठिए. Please sit down. मैं जाता हूँ. नहीं अंकल राज, मैं. नहीं, मैं. My friend, please sit down. It is my mistake. I'm really very sorry, madam. I'm really very sorry. It's just my mistake. रोनित, I'm sorry I hurt you. Oh, मोनिश्का बेबी, योर माइंड ब्लोइंग. आज जो तुमने किया है वो मेरी लाइफ में किसी और ने नहीं किया. तंग आ चुका था मैं लोगों से, कैसे समझाता उनको कि I love you. Oh. Mrs. Rivera from Nasdaq. Mr. Mahajan. Hello, nice to meet you. Hello. Excuse me, Lalit, Bhavi, एक मिनट. Excuse me. ये तुम क्या कह रहे हो राज? I don't believe this. हाँ Bhavi, मैं जानता हूँ, मैं ही ये रिश्ता लेकर आया था. मैं इसे तोड़ने की बात कर रहा हूँ. मैं सच कह रहा हूँ Bhavi. कौन से रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हो राज? रोनित और मोनिश्का की. भाई साहब, आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे एक बात स्पष्ट है कि रोनित के लिए ना ये लड़की ठीक है ना ये परिवार. हम खामखा उसे दौलत के दलदल में ढकेल रहे हैं. मैं जानता था राज कि तुम्हारा सब्र एक दिन टूट जाएगा. सब्र? देखो राज, तुम्हारे आने से पहले राय के आदमी का फोन मुझे आया था कि तुमने क्या देखा, क्या समझा और क्या है. वो रईस लोग हैं राज, उनका एक लाइफस्टाइल है, वो अलग है. तुम जैसे एक मामूली मिडिल क्लास रेस्टोरेंट चलाने वाले के लिए ये सब चीजें बहुत हैरत अंगेज हो सकती हैं. हाँ, मगर उस लड़की के ख्यालात रोनित के नेचर के बिल्कुल खिलाफ हैं भाई साहब. ख्यालात उसके नहीं, तुम्हारे ख्यालात उसके खिलाफ हैं राज. मैं बताता हूं ललित, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि अपने इस सुदामा दोस्त से बच के रहना, क्योंकि एक ना एक दिन ये अपना छोटापन जरूर दिखाएगा. असल बात यह है ललित कि राज और शालिनी की नजर हमारे बेटे पर बचपन से ही थी. हमारा 5,000 करोड़ का क्रॉस चेक रोनित इन्होंने अपने नाम का समझ रखा था, लेकिन निकला वो राय के नाम का. उस दिन ये रणवीर राय से झटके में मोनिश्का का रिश्ता तो ले आए,
लेकिन इनकी बेटी ईशा के ख्वाब टूट गए, जिसकी नजर और जिसका असर सब कुछ रौनित पर था। ललित, ये सब इस रिश्ते को तोड़कर अपनी बेटी ईशा का रिश्ता जोड़ने की स्कीम थी, जो अब हम सबको समझ में आ गई है, क्यों शैली? 100%। और सबूत के लिए कुछ तस्वीरें दिखाऊं, दिखाऊं कि किस तरह से रौनित का हाथ ईशा की कमर और कहां कहां रखा हुआ है। अगर आप मेरे दोस्त ललित के बड़े भाई नहीं होते, जिसकी इज्जत मैंने भी बड़े भाई की तरह ही की थी, तो आज अभी इसी वक्त आपके गाल पर ऐसे जोर का थप्पड़ मारता जिसके पंजों का दाग आपके गाल पर जिंदगी भर रहता। राज, 1 मिनट ललित। एक बात ध्यान से सुनो जगदीश मल्होत्रा, ईशा रौनित एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार, लेकिन उन्होंने बड़ों की इज्जत करना सीखा है। उसे इज्जत के खातिर, मेरी खातिर, उन्होंने अपने प्यार की कब्र बना डाली, सुखा दिए अपने आंसुओं को। और जिन तस्वीरों की तुम बात करते हो ना, अगर वो चाहते तो वो उन्हीं तस्वीरों को बढ़ा करके तुम्हारे महल के कोने कोने में लगा देते, और तब तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता था उनका। Shut up! You shut up! तुम हद से बाहर जा रहे हो राज। दिल फट चुका है मेरा, दिल फट चुका है मेरा। बोलने दो मुझे ललित। इसने मेरी दोस्ती, मेरी बेटी, हम सबको गाली दी है। अपनी मां की कसम, शालिनी की कसम, इस घर में आज के बाद ना मैं या मेरी बेटी आएगी। मर गए आप लोग, मर गए हमारे लिए आप लोग। That's it. Finish. Finish. That's it. राज, नहीं यार, छोड़ यार, तुम भी कहां निकले दोस्त, कायर कायर दोस्त। पापा, ये क्या बात हुई? हमारे आंसू पहुंचकर खुद आंसू बहाना? नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। चलिए घर चलिए। सानिया, मैं रोनित बोल रहा हूँ। Yes? ईशा को फोन दो। ईशा नहीं है घर पे। And I don't think you should call here.
ईशा फोन उठाओ और सच्चाई का सामना करो। हेलो हेलो ईशा लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। रोनित प्लीज चेक दिस गेस्ट लिस्ट, दुनिया के 100 वीवीआईपीस को बुलाया है। सोमवार के दिन दो बड़ी कंपनियों का मर्जर होगा, दो बड़े घरानों के बच्चों की सगाई होगी और उसी दिन शादी की डेट पक्की की जाएगी। मल्होत्रा एंड राय जो टॉप 10 में है नंबर 2 पर आ जाएंगे। रोनित अरे हाँ, ये रही तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग, जरा देखना तुम्हारी उंगली में फिट है कि नहीं। आओ ना बेटा। बेटा मत कहिए मैडम। रोनित माँ हूं मैं तुम्हारी। सॉरी मैम, पर आप मेरी माँ नहीं। नहीं आप मेरी माँ। आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है, उसके हाथ उसकी उंगलियां कितनी बड़ी हो गई है, क्योंकि आप तो वो माँ है जो अपनी बेटी की उंगलियां पकड़कर कभी चली ही नहीं। रोनित अपने बेटे को कभी नजदीक से देखा ही नहीं, उसे अपने सीने से लगाकर उसकी आंखों में झांककर उसके दर्द को कभी समझा ही नहीं। आप माँ है ही नहीं, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस मार्केट प्लेस की, जहां रिश्तों को दर्द को एक मजाक समझा जाता है। नहीं रहना मुझे यहां, नहीं रहना मुझे यहां, जहां मां नहीं जहां बाप नहीं। बेटा मत कहो मुझे बेटा, मत कहो मुझे बेटा। मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। मां हो तो बचा लो मुझे, बचा लो अपने बेटे को, बचा लो मुझे उस आग से जो आपके परिवार वाले मेरे चारों तरफ लगाना चाहते हैं। बचा सकती हो? नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चालीस साल तक अपना खून पसीना दिल दिमाग और शरीर दिया है मैंने मेलोस कंपनी को बड़ा करने के लिए। मल्होत्रा खानदान को टॉप 10 पर लेकर आया हूं मैं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बरसों से बढ़ता हुआ बिजनेस खाक में मिल जाए, ये घर आशिकों की इमारत बन जाए? ये बिजनेस हाउस है और बिजनेस हाउस ही रहेगा। अगर किसी ने भी मेरी इज्जत पर हाथ डाला या मेरे रास्ते में रुकावट डाली तो मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद को भी खत्म कर लूंगा। किसी ने भी रौनक की तरफदारी की तो वो मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। सुन रहे हो ना तुम सब लोग? सुन रहे हो? Excuse me, sir. You're not supposed to leave the premises. देखो रोनित, मुझे ईशा से मिलना है। जाओ जाओ मिलो उससे, खून बह रहा है उसका, ही इज ब्लीडिंग। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो?
जा रही हूँ मुझे। दुनिया के फैसले से पहले मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है ईशा, कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। रोनित, आज हमें फैसला करना होगा ईशा, जिंदगी या मौत। मौत? हाँ मौत। नहीं, रौनक को वापस लाना होगा। रौनक को कल के फंक्शन पर सिर्फ एक ही आदमी बुला सकता है। कौन? राज, सिर्फ राज। नेवर, नेवर। 5,000 करोड़ की कंपनी को बचाने के लिए आपको अपना घमंड तोड़कर राज के सामने भीख मांगनी होगी। शायद यस। मौके की नजाकत समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मैं वहां पर आपको सिर्फ मेरे साथ चलने के लिए कह रही हूं। रात से बात मैं करूंगी, आप सिर्फ खामोश रहिए। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। There's a lady waiting for you outside. Yeah, thank you. Hello. Hello. Go ahead. Raj. Bobby. राज रौनित घर छोड़कर चला गया है। भाग गया? शायद। कहाँ भाग गया? ओह, भाग गया, भाग गया। अरे भाग गया, ये तो होना ही था। कहो ना सेठ जी से कि अपने 500 मिलियन पाउंड की कंपनी को बुलाएं और अपनी औलाद को ढूंढ कर लाएं। लाएं, लाएं। अरे नहीं ला सकता है। चलो राज, अंदर चल के बात करते हैं। भाभी, हम उनके माँ बाप हैं, सिर्फ माँ बाप, गार्डियंस, हुकूमत नहीं है। वो प्रेमी हैं, लवर्स हैं, प्यार करते हैं। वो प्रेमी उड़ गए हैं भाभी, उड़ गए, उड़ गए।
ना प्यार करेंगे। हम तुम इतना प्यार करेंगे, जो भी सुनेगा वो ये कहेगा कौन रहा है कौन रहेगा, प्यार रहा है प्यार रहेगा। मेरे दोस्त, अगर बेटे के बाप के नाते मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, मालूम है ना? बिल्कुल यही इरादा है मेरा, ताकि हमारी मोहब्बत का फैसला जो घरवाले ना कर सके वो दुनिया कर दे। आज शाम को 5 बजे सारी दुनिया के सामने मनिष्का और तुम्हारी सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। 2 कंपनियों के मिलन के पेपर साइन होंगे बेटे। आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा अंकल राज। अगर मैं कहूं तो भी नहीं। हेलो, हाँ, ओह, तुम्हारी मां का फोन है। हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का दिन मल्होत्रा और राय परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि दुनिया की 2 बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ साथ 2 घरों के रिश्तों का भी गठबंधन होने जा रहा है। आज हमारे बच्चे रोनित और मोनिश्का रिंग सेरेमनी द्वारा अपने विवाहित जीवन का कमिटमेंट करेंगे। तो हम सब एक सवाल अपने कंपनी के चेयरमैन श्री JKM से ये पूछना चाहते हैं कि आज के ऐतिहासिक दिन का श्रेय यानी क्रेडिट किसको जाता है? एक मिनट, मैं आती हूं आपके पास। बोलिए भाई साहब। बोलिए। उसका श्रेय जाता है हम सबको।
हम सबको या किसी एक को? एक को मतलब हम सबको? एक ऐसा शख्स जिसके बिना ये शाम पॉसिबल ही नहीं होती। हो सकता है। रात सिंह पुरी। ओ हाँ, यस 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 यस, राज सिंह पुरी। तालियां। एक ऐसा इंसान जिसने दो कंपनियों को, दो बच्चों को रिश्ते में बांध दिया, उस इंसान के लिए तो शब्द। थैंक यू राज। ऐसे नहीं भाई साहब, खुलकर बोलिए। अरे भाई, खुलकर ही तो बोल रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राज। हमारे चेयरमैन यानी भाई साहब की बहुत इच्छा है कि वो आज शाम रात सिंह पुरी को अपने हाथों से शॉल और गुलदस्ता पेश करें। थैंक यू। Thank you very much. Please sit down. Please be seated. Thank you. Thank you very much. बड़प्पन है भाई साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे आदमी को भी इतनी बड़ी इज्जत दी। इनके घर की इज्जत और शान मेरी इज्जत और शान है। आज मुझे मेरी पत्नी की कुछ लिखी हुई लाइनें याद आ गई हैं। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना, यादें यादें यादें। थैंक यू। रुक जाइए अंकल राज, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर और। वेल, आप सब ने अपनी अपनी स्पीचेस दी और महान बन गए, और हमें भी अपनी महानता में शामिल कर लिया। नाइस, वेरी नाइस। आज पहली बार मेरी मां ने मुझे हिम्मत दी, मुझे घर बुलाया और कहा कि बेटा, जो जो सही है दिल खोल कर कहो, सबके सामने कहो, यूं भाग कर छिप कर झूठ का सहारा मत लो। आज यहां आप सबके सामने ये जो लोग इस स्टेज पर आए, ये सभी लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये एक स्टेज है, एक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक स्टेज पर आते ही शैतान भी देवताओं की तरह बोलने लगता है। राइट मॉम? हाँ बेटे, यू आर राइट। लेकिन आप लोग समाज है, सोसाइटी है, पब्लिक है, तो देखना ये कि आप लोगों में से आज सच का साथ कौन कौन देता है। हाँ, मेरे पास कुछ सवाल है। आप सबके हाथों में कंपनी की मर्जर रिपोर्ट है, जो एक तरफ से लाल और दूसरी तरफ से हरी है। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप रॉन्ग कहिए, और अगर मैं राइट हूं तो आप राइट कहिए।
मेरे झूठ पर हां मत कही। तो चलिए अब आप सब मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। उपाजी हूँ एक ही ये पब्लिक ट्रायल है। मेरा पहला सवाल, माफी, दिल में जहर भरा पर जबान से माफी मांगना, वो भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, राइट है रॉन्ग? थैंक यू, सॉरी अंकल। नाउ इज्जत, घर की इज्जत, द फैमिली इज ऑनर। जिस घर की इज्जत पैसे और दौलत की लालच पर बुनी हो उसे आंखें बंद करके सच मान लेना, राइट है या रॉन्ग? थैंक यू, थैंक यू अंकल राज। घर की इज्जत संस्कारों पर खड़ी होती है अंकल राज, दौलत के ढेरों पर नहीं। अब आते हैं एक लव स्टोरी पर। एक प्यार करने वाली लड़की अपने पापा को दिए हुए वचन की खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर देती है, क्या ये राइट है या रॉन्ग? और वो लड़का अपने पिता की बात मानकर अपने आप को बाजार में बेच देता है, और उसके घर वाले कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए उस लड़के की शादी जबरदस्ती किसी दूसरी अमीर लड़की से कर देते हैं। सुनो राज, और इस तरह इस कहानी में दौलत जीत जाती है और मोहब्बत हार जाती है। सुना करता था कि मां बाप बच्चों की खुशियों के लिए खुद को बेच दिया करते थे, और आज मैं देख रहा हूं कि मां बाप खुद की तरक्की के लिए बच्चों को बेच रहे हैं। पैसा पहले, बच्चे बाद में। कंपनी ऑफ एस फर्स्ट, फैमिलीज लास्ट, क्या इसे कहते हैं तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस, ग्रोथ? ये दिल, प्यार, दोस्ती, रिश्ते, नाते, संस्कार, ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कौन सी किताब है, ये कौन सी किताब है जो हमारे बड़े में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वी हेट इट एंड वी विल ऑलवेज हेट इट एंड वी रिफ्यूज टू फॉलो रूल्स ऑफ मनी। वी वांट लव, जस्ट लव, जस्ट लव। ठीक है, ठीक है, बस अब कुछ ही देर में मैं ये रिंग मनुष्का की उंगलियों में पहनाऊंगा और अपने आप को इस कंपनी और मनुष्का के नाम बेच दूंगा। पर मेरा सवाल ये है कि क्या एक हीरे के छल्ले को पहनाने से या मंडप के फेरे लेने से दो आत्माओं की शादी हो जाती है? क्या मिलन हो जाता है? कहिए, जवाब दीजिए। मुझे शादी कंपनी की मर्जर के लिए करनी चाहिए या वहां जहां मेरा दिल है, मेरी जिंदगी है? कहिए, कहिए, जवाब दीजिए। मैं बताती हूं निष्का, कमाल है। रौनित के सिंपल से सवाल का जवाब भी आप लोग ना दे सके क्योंकि आप भी ग्लोबेक्स इंटरनेशनल के मर्जर फंक्शन में शामिल हैं। यानी आप भी बड़े बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर सच बोलने से कतरा गए। सच तो ये है कि शादी वहां होनी चाहिए जहां दो दिलों का मिलन हो, वहां नहीं जहां दौलत का मर्जर हो। रौनित ठीक कहते हैं, शादियां हीरो के छल्ले और मंडप के फेरों से नहीं बल्कि दिलों और आत्माओं के मिलन से होती हैं, राइट रौनित? तो आज मैं रौनित के सही प्यार को आवाज दूंगी कि वो स्टेज पर आए और हम सबके सामने रौनित को ये अंगूठी पहनाए।
I call upon Isha Puri to come on stage and accept this engagement ring. Isha Puri! Kahan gayi? Isha Puri! Isha Puri! Thank you, Monishka. Thank you for your generosity. Isha yahan nahi hai. लेकिन आज जो तमाचा तुम लोग अपने घर वालों को मारना चाहते हो उसमें मैं और सानिया तो शामिल हैं, लेकिन ईशा नहीं, वो चली गई है। I'm sorry, Ronit. ईशा कहाँ है? JKM, ये मर्चर नहीं होगा। आज पहली बार मुझे जवान बच्चों ने समझाया कि वो कितने सच्चे और अच्छे हैं और हम कितने कमीन हैं। उसमें मैं और तुम खास तौर पर। और थैंक यू। सबसे बढ़कर कमीने लोग हैं ये, फिर भी बच्चों की बात समझ गए। और आप अभी तक सोच रहे हैं? वाह! पापा! पापा! अरे अरे अरे! ईशा? ईशा? क्यों छोड़ के आए मुझे? मुझे कहते हो सच्चाई का सामना करो और खुद भाग रहे हो? नलिनी भाभी ने मुझे बताया था कि स्टेज पर कुछ होने वाला है। उसने बुलाया नहीं तुम्हें? क्या बुलाया? बोलो। पर मैं उससे पहले चली आई। क्यों? क्यों बेटा? याद है पापा मुझे हमेशा कहते थे कि जिस लड़की को लड़के वाले स्वीकार नहीं करते उस लड़की को अपने ससुराल में इज्जत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महबूबा के अलावा और भी नामों रिश्ते बनते हैं, जैसे चाची, मामी, भाभी, बहू। बेटी, इस दुनिया को पहली बार मैंने अपने बच्चों की नजर से देखा। हम इतने बड़े बनकर भी कितने छोटे होते जाते हैं, और मैं तो इतना बड़ा बन गया कि अब माफी भी नहीं मांग सकता। बस इतना जरूर कहूंगा कि तुम बहू बनकर हमारे घर आ जाओ, और अगर आ गई तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ले जाने के लिए आया है, जाओ। राज सिंह की कहानी यहां खत्म नहीं होती। बच्चों से दोस्ती उसे आखिर तक निभानी पड़ी, वहां तक जब वो एक पिता से नाना भी बन गया। सुप्रिया, अरे कहां हो सुप्रिया? सुप्रिया हमारे साथ वॉक पे जाएगी, फिर घर आएगी, फिर व्यायाम करेगी।
स्नान करेगी, पूजा करेगी, फिर हम उसे स्कूल ले जाएंगे और शाम को दूर घूमने जाएंगे। आओ बेटे। मैं यहाँ हूँ नाना जी। How beautiful बच्चा। हाँ, अवंती का माँ कहाँ है? वो सब मुझे छोड़ के घूमने चले गए, मम्मी पापा अंकल आंटी। सब छोड़ के चले गए, हमें ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे नाना जी। नाना जी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? यानी नाना दोस्त? यस। आजी आजी सुनती हो? ओ लो कर लो बात, ये भी। आई लव यू, आई लव यू माय डार्लिंग। ठीक है बेटे, हाथ दो, हम अब से तुम्हारे नाना दोस्त। ओके चलो लेट्स गो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले हम हमारी जान की चाबियां तो ले लें। आप पूछो, क्या पूछो? मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? 6 साल पहले बेटा। रौनक अंकल और ईशा आंटी की? 4 साल पहले। आप मेरी शादी कब कराएंगे? बताओ ना। Yeah.